गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 6, नाउन जेंडर्स। जेंडर मीन्स होता है लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, जानते हो ना, लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो अपन आज लिंग के बारे में पढ़ेंगे, जेंडर्स के बारे में। नाउ स्टार्ट। अ नाउन दैट denotes a male is called masculine gender, जो पुरुष जाति को दर्शाती है, मतलब जो जिससे अपन को पुरुष जाति का बोध होता है उसे कहते हैं masculine gender, it means पुल्लिंग। and a noun that denotes a female is called feminine genders, और जिससे अपने स्त्रीलिंग जाति का बोध होता है, मतलब जिस शब्द से अपने स्त्रीलिंग का पता चलता है उसे क्या कहते हैं अपन, फेमिनिन जेंडर, इट मीन्स स्त्रीलिंग। क्लियर है? लुक एट द पिक्चर, ये पिक्चर दिख रहा है, ये बॉय है, ये गर्ल है। अश्विन इज अ बॉय और यशमित इज अ गर्ल, तो अश्विन इज अ बॉय मतलब ये आएगा मैस्कुलिन में, और यशमित इज अ गर्ल ये आएगा फेमिनन में, जेंडर में। ये पुल्लिंग हो गया और ये स्त्रीलिंग हो गया। इट इन सेंटेंस वन द नाउन बॉय इज अ नेम ऑफ अ मेल, जो ये सेंटेंस में दिख रहा है अश्विन इज अ बॉय, तो ये किस में आ गया, इसका नाम किस में आ गया, मेल में, मेल मतलब पुरुष में आ गया। इट इज देयर फोर सेड टू बी और द मैस्कुलिन जेंडर, इसको क्या कहेंगे अपन, पुल्लिंग। इन सेंटेंस नंबर 2 है यशमित इज अ गर्ल, द नाउन गर्ल इज द नेम ऑफ अ फीमेल, जो गर्ल का नाम, मतलब यशमित इज अ गर्ल मतलब यशमित एक लड़की है, तो इसका नाम किस में आ रहा है, फीमेल मतलब स्त्रीलिंग में आ रहा है। इट इज द फेमिनिन जेंडर, इसको क्या कहेंगे अपन, स्त्रीलिंग। काइंड्स ऑफ जेंडर मतलब लिंग के जो भेद होते हैं वो, देखो मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर में देखो कौन कौन से, मेन मैन, बॉय, हस्बैंड, ब्रदर, अंकल, नेप्यू और फेमिनिन जेंडर में कौन कौन से, वुमन, गर्ल, वाइफ, सिस्टर, आंट, नीज। समझ में आया, जैसे मैन मैन, बॉय, हस्बैंड, ब्रदर, अंकल, नेफ्यू, जैसे आदमी, लड़का, पति, भाई, चाचा, भतीजा, ये सब किस में आ रहे हैं, मैस्कुलिन मैस्कुलिन जेंडर में आए, मतलब पुल्लिंग में आए ये। और फेमिनिन फेमिनिन जेंडर में वुमन, गर्ल, महिला, लड़की, वाइफ, पत्नी, सिस्टर, बहन, आंट, चाची और नीस, भतीजी, ये किस में आ गए, फेमिनिन जेंडर मतलब स्त्रीलिंग में आ गए। क्लियर है? अ फेमिनिन नन कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ मैस्कुलिन नाउन इन द फॉलोइंग थ्री वेज मतलब जो स्त्रीलिंग को अपन चेंज कर सकते, मतलब को फॉलो कर फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसमें, मैस्कुलिन मैस्कुलिन में, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में। कैसे, तीन जैसे दे रखे हैं आपको, बाय एडिटिंग ES, मतलब जहाँ ES लगता है, तीन वेव दे, तीन इसके वो दे रखे हैं वेज, कि किस किस तरह से चेंजिंग होता है, किस किस तरह से फॉर्म जो होती है उनकी चेंज होती है। लॉयन लॉयनेस, ES लग गया मतलब लॉयन लॉयनेस, शेर शेरनी, पोएट पोएटेस, प्रिस्ट प्रिस्टेस,
priest, priestess, giantess, prince, princess, host, hostess. समझ में आया? ऐसे ही नेक्स्ट है आपका रीड द फॉलोइंग केयरफुली. टाइगर, टाइगर्स, गॉड, गॉडेस, एम्पेरियर, एम्पेरियर, एम्प्रेसेस, मास्टर, मिस्ट्रेस, एक्टर, एक्ट्रेस, ड्यूक, ड्यूक का डच, डच. नेक्स्ट है आपका द फेमिनाइन जेंडर इज अ कम्प्लीटली चेंज. इसमें बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज है. जैसे इधर का पुल्लिंग स्त्रीलिंग, फादर का मदर, मैन वुमन, जेंटलमैन लेडी, किंग क्यून, हस्बैंड वाइफ, सन डॉटर, बैचलर, स्पिनिस्टर. बैचलर मतलब अविवाहित और स्पिनिस्टर अविवाहिता. डॉग, बिच, मंक, नन. मंक होता है साधु और नन होती है साध्वी. सर, मैडम. सेकंड है आपका सम फेमिनन जेंडर्स आर फॉर्मेड इन द फॉलोइंग वे. मतलब उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है. देखो, हीरो का हीरोइन और ब्राइड ग्रूम ब्राइड, दूल्हा दुल्हन. ऐसे लुक एट द फॉलोइंग फेमिनन जेंडर्स. फेमिनन जेंडर्स जैसे ग्रैंडफादर का ग्रैंडमदर मतलब दादा दादी, ग्रैंडसन ग्रैंडडॉटर पोता पोती, स्टेपसन स्टेपडॉटर सौतेली बेटा सौतेली बेटी, लैंडलॉर्ड लैंडलेडी, वॉशरमैन वॉशरवुमन, पिकॉक पीहन. क्लियर है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग समझ में आता है ना? वही है जेंडर्स. जेंडर्स में मैस्कुलिन जेंडर होता है पुल्लिंग. जहाँ भी आपको जैसे बताया आपको मैस्कुलर जेंडर में कौन कौन से मतलब वर्ड्स, मैन बॉय हस्बैंड ब्रदर अंकल, जो पुरुष जाति को पुरुष जाति का दर्शा रहे हैं, बोध करा रहे हैं अपन को उस वर्ड से, तो वहाँ आएगा मैस्कुलिन जेंडर. और जहाँ पर फेमिनिन जेंडर वो होते हैं जहाँ पर स्त्रीलिंग जाति का बोध हो रहा हो, जहाँ पर जैसे वुमन गर्ल वाइफ सिस्टर आंट नीज, ये सब किस में आ गए? फेमिनिन जेंडर में. थैंक यू.